अब बताओ जानू क्या मसला था? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं एक लड़की हूँ। तुम कौन हो? मैं नैयर हूँ। लेकिन बकरीद में तो अभी बड़े दिन पड़े हैं, तुम अभी से आ गए हो। और मैंने कब कहा था कि मैं बकरीद में आऊंगा? ओ भाई, हमारे घर में कोई बकरा नहीं है। अब मैं बकरे से मिलने नहीं आया। काटने आए हो? किसे? बकरे को? और नहीं भाई, मैं महमूद से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें महमूद को काटने नहीं दूंगी। है? वो मुझे काटना चाहते है? उनके पास इतनी बड़ी आरी नहीं है। कौन है? मुमताज। तुम्हारा नाम मुमताज है? नहीं नहीं जी, मुमताज नहीं है, कोई कसाई है। अरे नैयर भाई, आप कैसे हैं? ओए साले, सारी बातें दरवाजे में करोगे? अरे नहीं नहीं, आप अंदर आए ना। आप इस कसाई को जानते हैं क्या? अरे ये कसाई नहीं है, मेरे बहनोई हैं, हाजरा के मियां। हाय अल्लाह, आपने हाजरा की शादी कसाई से कर दी है? ओए मुदे, ये मुर्गी कौन है? मैं इनकी वो हूँ। वो क्या? वही जो आपकी हाजरा है। बहन? हाँ। नहीं नहीं, हाँ नहीं। अरे ये मेरी बीवी है। हाँ आप अंदर आइए। तुम तो चलो अभी, इधर इधर सीधा। बात तो सुनो खूबसूरत। आइए आइए आ जाइए। ये कौन है मेलों में ढोल बजाने वाला? मैं तेरी माँ हूँ जलील। ओहो माँ जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हाजरा के भाई हैं। हाजरा का भाई तो मैं हूँ। हाँ ये इनके भाई हैं। ये मेरे बहनोई हैं, नैयर भाई। अच्छा, आपकी बहन नहीं आई? उसका नाम ले लो मेरे सामने। मैंने कब नाम लिया है? अरे नैयर भाई, अरे बताइए तो हुआ क्या है? कैसे भाई हैं आप? आपकी बहन क्या कुछ हुआ और आपको पता ही नहीं? कलीम बताएं क्या हुआ, लड़का या लड़की? चींटे आ रही हैं। इनके घर झगड़ा हुआ है। हो तो इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है भाई? लड़का हो या लड़की, औलाद तो आपकी है। नहीं आपकी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे कह रही है कि घर में एसी लगा लो। किसके घर में? खुदा का वास्ता है, तुम यहाँ से जाओ और नैयर भाई के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। अच्छा तो मैं फिर ठंडा पानी लाती हूँ। वो किचन उधर है। अच्छा अच्छा। नबील जी, महमूद साहब तुम भी जाओ किचन में। अरे नहीं भाई, अपने कमरे में। अच्छा ठीक है महमूद साहब, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। कच्ची चुपता मार इंडिया से। नैयर भाई मेरी बेगम है, इज्जत करें उसकी। अच्छा। और क्या था नैयर भाई, आप भी इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, लगवा देते एसी उसको। अब क्यों लगवाऊं एसी, हराम खा की फजूल खर्ची। और वैसे भी बुढ़ापे में एसी में हड्डियों का दर्द हो जाता है, आदमी किसी काम का नहीं रहता। हाँ। तो आप कौन सा काम करते हैं नैयर भाई? मुझे तो क्या बुढ़ापे में नहीं करूंगा, इतना नकम्मा समझा हुआ तूने मुझे। नैयर भाई मुझे ये एसी वेसी के आशियों से सख्त नफरत है। खर्चे की बात है ना। जानू नाराज हो? मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनो तो सही। वो तो चोर अंदर आ गया। लेकिन अंदर तो तुम आई हो जानू। नहीं नबील, वो जो चोर बाहर था वो अंदर लाउंज में बैठा हुआ है सोफे पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे वो चोर नहीं है, उसका मुंह चोरों जैसा है। वो महमूद साहब का बहनोई है यार। क्या? हाँ। लेकिन वो हमारे घर में क्यों है? वो महमूद साहब की बहन से लड़कर यहाँ आ गया है। नबील ये हमारा घर है, कोई मैरिज काउंसलिंग का ऑफिस नहीं है। कैसी बातें कर रही हो यार? अगर वो शाम तक नहीं गया ना तो मैं चली जाऊंगी घर से। ठीक है मैं अभी बोलकर आता हूँ उसे। जाने के लिए? नहीं रुकने के लिए। नबील मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं है भाई, कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं समझाऊं? मैंने बहुत बीन बजा ली, अब तुम भी बजा लो। अच्छा देखें पायन। तो उधर हैं। अच्छा जी देखें पायन, ये ठीक कह रहे हैं आप, सलमा के पास ना वापस चले जाएं। कौन सलमा? आपकी बीवी। मेरी बीवी का नाम हाजरा नैयर है। तो फिर ये सलमा कौन है? सलमान महमूद नाम है सलमा का। मेरा
अरे आप इसको छोड़े नैयर भाई। ओए मेरी होती तो मैं कब का छोड़ चुका होता। आप मेरी खातिर घर वापस चले जाए। इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है आप कुछ देर आराम कर लें, बाद में चले जाइएगा। मुमताज इन्हें कमरा दिखाओ। क्यों इनको नजर नहीं आता, खुद नहीं देख सकते? अच्छा ठीक है मैं खुद दिखा लेता हूँ, चलें। नैयर भाई चलें। ओए मुते अपनी बहन से कह देना कि मैं उसको एसी नहीं लगवा के दूंगा। ओए अपने जोड़ ढीले कर लूं। ओए अच्छा भाई ना लगवा के दीजिए, आपके तो जोड़ भी बहुत ज्यादा है। कहाँ जा रहे मेरे को? इधर अंदर चले कमरे में, आप आराम करें शाबा चल के। एसी लगा के दो हमारी बहन को, एसी लगा के दे दो। मैं बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है और अंदर का माहौल इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है, आवाज वाला एसी इतने लगाया है एसी। जी भाभी वो खा ले। वो क्या? वो जो दोपहर में खाते हैं। क्या? वो जो आप अपने घर में खाते हैं। जूते? अरे अल्लाह आप घर में जूते खाते हैं, इसीलिए आपका मुंह इतना सूजा है। आप क्या बोल रही हैं? क्या तो मैंने अभी बोला ही नहीं है, चले वो लगा दिया खा ले। अरे पता नहीं आप मुझे क्या खिलाना चाह रही है, क्या लगा दिया है, मैंने नहीं खाना। हाँ हाँ खाना खाना। नहीं खाना। खाना खा ले। आप इतनी देर से खाना बोलने की कोशिश कर रही? नहीं मैं तो इतनी देर से खाना पकाने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे यही दे दे। दरवाजे पर? और कमरे में? यूं बाहर नहीं खाएंगे? अभी तो आप कह रही थी खाना लगा दिया। हाँ लगा दिया। वो तो मैं बाहर जाकर खाना क्यों खाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है फिर मैं ले आती हूँ। पैसे? नहीं खाना। हाँ ले आए। कौन है भाई? कौन आ गया इस वक्त? क्या हुआ महमूद साहब? दुनिया के निहायत घटिया तरीन इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? कसम से मैं तो सो रहा था। इसीलिए तो कह रहा हूँ। क्या मतलब? अरे तुम्हारी माँ बाहर सोफे पे सो रही है और तुम अंदर मजे के साथ सो रहे हो। नहीं खूबसूरत के साथ। एक ही बात है, चलो जाओ अपनी माँ से कहो कि वो आके अंदर सोए। ठीक है चलो जाओ मजे करते हो। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा? तू? मैं तो बहुत पहले हो गया था माँ जी। हा? आप एक काम करें कमरे में जाके सो जाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह उधर तो पहले इतना बड़ा आदमी सोया हुआ है। ओहो माँ जी मेरे कमरे में जाके सो जाएं। हाँ मोमो जाओ ना जाओ बाबा इसके कमरे में जाके सो जाओ। अच्छा जाओ जाओ तुम आराम करो जाके। हा? जाओ आराम करो जाके। अच्छा बेचारी थक गई होगी सोफे पे। मैंने कहा सो जाओ तुम भी सो जाओ। है जमीला, जमीला तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे शक्ल को? माँ जी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तुझे उठा रही हूँ। आप मुझे क्यों उठा रही हैं माँ जी? तुझे वो नहीं आती है क्या? वो जो तेरे शोहर को भी नहीं आती है। नींद? नींद नहीं वो। वो क्या? वही जो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को भी नहीं आती है। माँ जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बहू से ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ हाँ
आ रही है शर्म? याद आ गया, शर्म नहीं आती तुझे? तेरा शौहर बाहर सोफे पे सो रहा है और तू इधर बेड पर है। नबील बाहर क्यों सो रहा है? जा जा जाके पूछ उससे, जा पूछ उसको। अशफाक, अशफाक जल्दी आ जाए, मैंने जगह मल ली है आपके लिए। अशफाक, अशफाक। कौन आ गया? चलो देखते हैं। उठो। तुम हट जाओ, मुझे देखने दो। आपने फोन किया था? फोन? बड़ी जल्दी आ गया। हमारे बारे में तो मशहूर है कि हम वक्त से पहले आ जाते हैं। कहाँ है चोर? ये मेरे शौहर हैं। तो आपने चोर से शादी की है? आपको कोई पुलिस वाला नहीं मिला था क्या? वैसे बाय द वे बट साहब, इन दोनों में फर्क क्या होता है? चुप होए, पहले मुझे चोर ढूंढ लेने दे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे गलतफहमी हुई थी, कोई चोर नहीं है हमारे घर में। नहीं नहीं, चोर है बट साहब। क्या? हाँ बट साहब, आप अंदर आए, मैं बताता हूँ आपको चोर कहाँ है। कहाँ है? आइए बट साहब, ये है चोर। ये क्या कर रहे हो तुम? चुप कर जाओ, ये ही इन्हें निकाल सकते हैं वरना एक हफ्ता सोफे पे सोना पड़ेगा। ओए ये क्या बदतमीजी है, मैं कोई चोर वोर नहीं। अब बट साहब जामिया तलाशी ले इसकी। हाँ ओए इधर आ, हाथ ऊपर कर रहा है, चल। हीरोइन? इनकी जेब में कौन सी हीरोइन है? पाजी मेरी जेब में तो रुपया नहीं, तुझे हीरोइन काट ली है। हीरोइन बेचता तू? पाजी मैं तो चर्स पीना है, पता नहीं कुछ आ गई। चल थाने, सब पता चल जाएगा।